हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है गाइस आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड ये वीडियो आपके लिए है, किसी सीएस स्टूडेंट के लिए, सीएस के लिए, सीएमएस स्टूडेंट के लिए एंड कोई भी जो हमारा एग्जामिनेशन है उनके लिए। हमें पता है कि जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करने बैठते हैं, कोई भी मान लो एग्जामिनेशन है, उसमें मान लो चार पेपर हैं, तो कोई ना कोई एक पेपर तो हार्ड हमको मिलता ही मिलता है। हार्ड का मतलब जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिस पेपर से हमारा माइंड फिर जाता है एंड वही पेपर हमारा क्या बनता है, पास एंड फेलियर का इफेक्ट करता है वो पेपर। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन पेपर इन एग्जामिनेशंस की आपकी एग्जाम के अंदर अप्रोच क्या होनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक कैलकुलेट किया है, जो मैंने खुद एग्जाम दिए थे, मेरे टाइम भी पेपर बहुत हार्ड आए थे, तो मैंने कैसे मैनेज किया, दिस इज माई एक्सपीरियंस। होपफुली ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अंत तक देखना एंड पूरा शेयर करना, जो भी आपके CACS एंड CMA के हमारे दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना, ताकि आपका भी इसमें इंक्रीमेंट हो एंड हमारी जो मेरी एक जो है क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब जो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे नंबर लेके आए वो भी सक्सेसफुल हो जाए। अब होता क्या है गाइस, कोई ना कोई पेपर में जब भी हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं, कोई ना कोई एक आधा पेपर तो मुश्किल हो ही जाता है। जैसे कि इस बार नवंबर 20 के अंदर पेपर था SFM का, वो टारगेट पेपर होता है कोई भी इंस्टीट्यूट का, तो उस टारगेट पेपर को कैसे हैंडल करें। ध्यान रखना गाइस कि कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर अगर पेपर मुश्किल पूछा जाता है, तो मुश्किल का मतलब क्या है कि कोई भी दो तीन नए क्वेश्चन ऐड होते हैं, कोई भी दो से तीन क्वेश्चन ही नए पूछे जाते हैं। मतलब किसी भी पेपर में, कैसा भी पेपर हो, ध्यान रख लेना आपको 40-50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्टेबल मिल जाएगा। अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी है तो 40-50 मार्क्स आप किसी भी पेपर में आराम से सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अगर आपने बिल्कुल भी स्टडी की नहीं है, या आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, या आपकी जो भी पहले से हालत खराब है, तो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं हो सकता। क्योंकि गाइज ये हम आपको भी पता है कि ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एंड ICAI, ICSI, ICMAI भी अपने जो भी बच्चे एग्जाम राइट कर रहे हैं उनसे भी एक्सपेक्ट जरूर करता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके आए, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करके आए। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या पता आपसे एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो, क्योंकि कुछ नहीं पता गाइस। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो 40-50 मार्क्स बड़े आराम से आपके आ जाएंगे। तो अब उनकी कंसिडरेशन करनी है कि कौन कौन से पॉइंट हमको कंसिडर करने हैं एग्जामिनेशन से अटेम्प्ट से पहले। अब आपको क्वेश्चन पेपर हार्ड आ गया, आपको इंस्टीट्यूशन आ गई, आपको अंदर से इंस्टीट्यूशन आ गई कि पेपर तो हार्ड है, आपकी हालत खराब हो गई, उस टाइम पर आपको क्या चीजें करनी है आपको बड़े ध्यान से सुनना है। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट आपके लिए है, फर्स्ट पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ना है, माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए आपका, उस टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई पैनिक नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ो। अगर क्वेश्चन पेपर को रीड करके हमें पता होता है कि पेपर तो डिफिकल्ट है, पेपर हमारी बस की बात नहीं है, पेपर तो बहुत हार्ड पूछा है, तो उसी टाइम नॉर्मली क्या होता है दोस्तों का माइंड खराब हो जाता है। खराब का मतलब है वो पैनिक हो जाते हैं एंड उनको लगता है कि अब मेरे से ये पेपर अटेम्प्ट नहीं हो सकता। जब हमारे माइंड में गाइज ये ठोट ना आ गया कि अब नहीं हो पाएगा, तो वो कभी हो नहीं सकता। तो हमें ऐसा ठोट नहीं लेके आना, हमको आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है रिलैक्स माइंड के अंदर, क्योंकि आपने एफर्ट्स किए हैं, आपने इतने रात रात जाकर आपने पढ़ाई की है, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं हो सकती, किसी भी हालत में वेस्ट नहीं हो सकती। क्वेश्चन पेपर पास होने के लिए ही बनते हैं, वरना तो हम सारे ही फेल हैं। हम साबित कैसे कर सकते हैं कि हम सक्सेस रेट में हैं, जब हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, जब हमारा रिजल्ट आएगा तभी हम पास हो पाएंगे, अदरवाइज कोई भी पास नहीं हो पाएगा। तो रिमेंबर, क्वेश्चन पेपर पास होने के लिए ही बनते हैं। सेकंड पॉइंट गाइस जो आपको मेन देखना है, जैसे ही आपको लगता है पता कि क्वेश्चन पेपर मुश्किल आ गया, डिफिकल्ट आ गया, तो पेपर को देखते ना स्माइल कर देना एक बारी, अच्छी सी स्माइल, सर क्या मजाक कर रहे हो सर हमारे साथ, सर पेपर मुश्किल आ गया है और क्या हम यहाँ पे स्माइल करें। गाइस स्माइल करना, बड़े आराम से पेपर को देख के हंसना कि वाह यार क्या पेपर पूछ लिया यार, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कि क्या माइंड लगाया जिसने पेपर को
पूरा का पूरा जिसने पेपर कंप्लीट किया है, जिसने पेपर को क्या बोलते हैं, जिसने पेपर को हमारे ड्राफ्ट किया है, क्या माइंड है उस इंसान का जिसने पेपर को बनाया है, तो सबसे पहले तो उस बंदे को सल्यूट आपको मारनी है कि नहीं यार अच्छा पेपर बनाया है। यही हमको चाहिए किसी सीए स्टूडेंट को, किसी सीए स्टूडेंट को, किसी सीएमए स्टूडेंट को। हमें उस अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है ना, हमें उसको अपना हथियार बनाना है, हमें उसको अपना हथियार बनाना है। वी आर वॉरियर्स। तो क्वेश्चन पेपर को देखते ही स्माइल कर देना एक बारी। हमें पता है कि अंदर से पेपर हार्ड है, लेकिन कोई बात नहीं, स्माइल जरूर कर देना, आपका मन खुश हो जाएगा। डोंट पैनिक, पैनिक बिल्कुल भी मत होना गाइज। थर्ड पॉइंट गाइज आपके लिए है, थोड़ा सा पानी जरूर पीना, ड्रिंक वाटर, जरूर पानी पीना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको थोड़ा सा पानी पीना है, जिससे क्या होगा आपका माइंड कूल हो जाएगा, आपके अंदर जो भी पैनिक है वो दूर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट गाइस, रिमेंबर क्या, अगर आपका पेपर मुश्किल पूछा है, अगर कोई टारगेट पेपर है किसी भी एग्जाम का, तो याद रखना ये आपका टेस्ट कौन ले रहा है, इंस्टीट्यूट ले रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है, रियल टेस्ट किसका, पेशेंस का, कि आप में कितना पेशेंस है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, क्या आपका कॉन्फिडेंस, क्या आपका पेशेंस शेक हो जाता है क्वेश्चन पेपर देख के मुश्किल, एंड आपका अंदर की इच्छा टू बिकम अ सीए सीएस एंड सीएमए एंड हैंडलिंग ऑफ प्रेशर व्हिच इज टेकन बाय द योर इंस्टीट्यूट। गाइज यही आपका रियल टेस्ट है। आसान पेपर तो कोई भी सॉल्व कर देगा, आसान पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आसान पेपर का मतलब है कि सभी सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे ने असली एफर्ट किया है, जो बच्चा वाकई में ही सीए सीएस सीएमए बनना चाहता है, जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है, जो रट्टा मार के नहीं आया, जिसका पेशेंस लेवल का टेस्ट है, जो कि आईसीआई आईसीएसआई आईसीएमएआई आपका रियल टेस्ट ले रहे हैं हर चीज का, तो यू आर कॉन्फिडेंट कि कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई करके आया हूं, मैं इस पेपर को जरूर सॉल्व करूंगा, जरूर सॉल्व करूंगा एंड घबराऊंगा नहीं। अगर हमारा इंस्टीट्यूट हमसे टेस्ट लेना चाह रहा है, रियल टेस्ट, मैं इस टेस्ट में पास होके दिखाऊंगा गाइज, इस टेस्ट में मैं पास होके दिखाऊंगा। अगला पॉइंट गाइज आपके लिए है, आपको लिखना है बस, पेपर आता है नहीं आता दूर की बात है, आपको लिखते रहना है, रुकना मना है जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता, या जब तक टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको लिखते रहना है गाइस। ध्यान रखना, ये पेन है आपके सामने, पेन, अगर एक बार आपका पेन स्टार्ट हो गया ना, तो वो पेन फिर नहीं रुकने वाला एग्जाम तक। एंड बिलीव मी, आप ये बोलेंगे नहीं सर हमारा पेपर, उसी पेपर जो हमको नहीं आता था ना, वही पेपर हमारा अच्छे से सोल्व हो गया, एंड आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे उस पेपर के अंदर। लेकिन अगर आपने वहां पर कॉन्फिडेंस हार दिया, वहां पर हिम्मत हार दी, तब कुछ नहीं होने वाला। आपको लिखना है, क्योंकि वो पेपर डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब है पूरे हिंदुस्तान के लिए पेपर डिफिकल्ट है, ऑल इंडिया रिसीव सेम क्वेश्चन पेपर। ऑब्वियस सी बात है, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आप लिख पाते हो या नहीं लिख पाते, क्या लिख रहे हो डजंट मैटर यार, लिखो तो सोच समझ के लिखना कि आपको पता ही उस कॉन्सेप्ट का है, तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट क्या एंट्री होती है, क्या अकाउंटिंग होती है, क्या रूल लगता है, वैसा लिख के आना, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है गाइस। और एक बात और, अपने आप पे विश्वास रखना, believe in yourself that if you study hard then you will definitely solve this paper at any cost। अगर हमने पढ़ाई की है ना, हमने दिन रात efforts किए हैं guys, तो ये paper तो definitely solve हो ही जाएगा, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ICI का paper है, ICSE का paper है, ICMA का paper है, ACCA का paper है, UPSC का paper है, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई की है सर, paper कहाँ से आएगा, concept से आएगा। मानना कई बार concept बहुत मुश्किल होते हैं जो हमें कभी नहीं देखे, लेकिन क्या करें guys, paper तो सोल्व करना ही है ना। आपके एफर्ट्स को वेन में जाने नहीं दे सकते किसी भी हालत में कोई भी इंस्टीट्यूट को पता है पेपर आज का हार्ड है, लेकिन वो जानबूझ के पेपर हार्ड देता है आपका टेस्ट चेक करने के लिए। आपका रियल टेस्ट वही पेपर है। अगर आपने वो पेपर अच्छे से पास कर लिया ना,
कूल शांति से उस पेपर को निकाल दिया, ज्यादा नहीं सोचा, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता अपने इंस्टीट्यूट से पास होने में। गाइस याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही बात बोल रहा हूँ। सपोज यू स्टडी कॉन्सेप्चुअली, आपने पूरी अच्छे से पढ़ाई की, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप रट्टा मार के नहीं आए, यू आर नॉट रटिंग स्टूडेंट, आप एक कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। आई ऑलवेज सपोर्ट कॉन्सेप्चुअली बेस्ड स्टूडेंट। जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट नहीं समझता, सीए कार्तिक जिंदल उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये कार्तिक, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई ऑलवेज बिलीव इन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता तो मेरी सीएमए कभी रैंक नहीं आ पाती, मैं साफ बोलता हूं। मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट पर गेम खेली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही असली बॉस है गाइस। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किया है और पेपर बहुत हार्ड आ गया, कई बार क्या होता है पेपर इतना ज्यादा हार्ड आ जाता है कि हमसे सॉल्व नहीं हो पाता, हम इंसान है, हमारा लेवल भी यहां तक है, ऊपर तक नहीं है ज्यादा, और आपके लिए वो पेपर अनसोल्वेबल बन गया, एंड लेकिन ध्यान रखना, देन रिमेंबर, ध्यान रखना, ये पेपर पूरे इंडिया में हर बच्चे के पास गया है, ये पेपर पूरे इंडिया में हर बच्चे के पास गया है। अगर वो पेपर आप सोल्व नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, आपकी कॉन्सेप्ट अच्छा है, सर मेरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट बढ़िया है, मैंने कंप्लीट पढ़ाई की थी, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा सर, तब एक बात ध्यान रखना गाइस, अगर वो पेपर आप सोल्व नहीं कर पाए इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद ना, तो वो पेपर कोई भी सोल्व नहीं कर पाएगा, आपको ऐसा सोचना है, वो पेपर कोई नहीं सोल्व कर पाएगा। अगर मैं पढ़ाई की है और मैं पेपर सोल्व नहीं कर पाई ये वाला, तो वो दूसरा कैसे कर पाएगा सर, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता सर। ये सोचना है हर बच्चे को, ये सोचना है, हमको नहीं पता दूसरे बच्चे का माइंड क्या है, लेकिन हमको इतना सोचना है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा सोचोगे ना, माइंड ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, पैनिक में, इससे क्या होगा, आप पैनिक में नहीं आओगे बिल्कुल भी, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, एंड आपको आपको ये फील होगा नहीं यार कोई बात नहीं, पेपर मुश्किल है, होता है, चलता है, कोई बात नहीं, देन स्टार्ट राइटिंग व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, लिखिए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को लिंक करके जरूर लिखना, क्योंकि अगर आंसर ठीक नहीं होगा ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर थोड़ा सा भी आंसर ठीक होगा ना तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। बिलीव मी, नोबडी कैन स्टॉप यू गाइस, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टीट्यूट विल गिव ग्रेस मार्क्स, हर इंस्टीट्यूट आपको ग्रेस मार्क जरूर देगा अगर पेपर ज्यादा ही डिफिकल्ट आ गया, एंड उस पर्टिकुलर पेपर की चेकिंग भी बहुत ही इजी रहेगी, डोंट वरी एट ऑल, लेकिन आपको लिख के आना है। अगर वहां पर आप कुछ लिख के नहीं आए, खाली शीट छोड़ के आ गए, तो गाइज कोई भी एग्जामिनर आपको मार्क्स अवॉर्ड नहीं करेगा, बिलीव मी गाइज, आपको लिख के आना है, लेकिन ठीक लिख के आना है, चाहे आंसर ठीक बाद में बने ना बने कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया गाइस। उसके बाद गाइस मेरी साइड से ये है कि ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अगर पेपर मुश्किल आता है तो आपको ये पॉइंट रिमेंबर करने हैं, पैनिक नहीं होना, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, एंड सीए सीएस सीएमए का जो आपका ख्वाब है ना, जो आपका ड्रीम है, उसको मेंटेन करके रखना है, एंड यही सोचना है कि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो पास होने के लिए आता है, एंड आप जरूर क्रैक करोगे उस पर्टिकुलर एग्जाम को। आप नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाएगा, क्यों, आपने पढ़ाई की है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हो, टेस्ट कभी कभी इंस्टीट्यूट जान बूझ के प्रेशर पेपर आपको जरूर टारगेट करता है, वो हर एक पेपर में होता है, मैंने भी अपने एग्जाम दिए हैं, मेरे टाइम भी पेपर हार्ड आए थे, टारगेट हुए थे पेपर, लेकिन मैंने पेपर को देख के स्माइल जरूर पास की थी, क्या पेपर बनाया यार, क्या बात है, एंड अच्छा लगता है फिर जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट अच्छा ही आता है, कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी आपका बेनिफिट ही सोचता है, इंस्टीट्यूट कभी अपने बच्चे को फेल नहीं कर सकता गाइज, इंस्टीट्यूट आपके साथ है, बस आपको अपने पेशेंस को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। तो गाइज वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना गाइस, नॉट एन इश्यूज, एंड मैं आपके साथ हूँ हमेशा, आपका दोस्त सीए कार्तिक, एंड इस वीडियो को शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, ताकि अभी एग्जाम आ रहे हैं सीए के जैन 2021 के अंदर, एंड आगे भी एग्जाम होते रहेंगे, तो ये वीडियो उनके जरूर काम आएगा, आपके भी काम आएगा। चलिए गाइस, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त सीए कार्तिक।